अपने जीवन में सभी कुछ न कुछ बड़ा करना चाहते हैं और सफलता भी सभी पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना होगा ये उनको पता नहीं होता। आज आप जो भी हैं वो आप अपने आदतों की वजह से हैं। आपकी आदतें ही आपको बनाते हैं या आपको बिगाड़ते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आदतों को बदलने का प्रयास करें। एक एक दिन मिलकर आपकी जिंदगी बनती है और जब आपका हर दिन अच्छा बीतने लगे तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होती जाएगी। दिन की शुरुआत हमेशा सुबह उठने से होता है। ऐसे में आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा वो आपकी सुबह की आदतों के ऊपर निर्भर करता है। आइए सुनते और समझते हैं सुबह की वो आदतें जो हमें सफल बनाने में सहायक साबित हो सकती है। कृपया वीडियो में खो जाने से पहले आपके प्रिय चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। उठो, नई ताजगी के साथ शुरुआत करो। हर दिन में जगमगाते अवसर को देखो। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो पहली चीज जो करनी है वो है सुबह जल्दी जागना। सफल होने की सबसे पहली आदत यह है कि हमें रोज सुबह जल्दी जागना चाहिए। सुबह जल्दी जागने का सबसे अच्छा समय 5 बजे होता है। उस समय चारों तरफ शांति होती है जो आपके दिमाग को सुबह में चाहिए। और जब आप 5 बजे उठते हैं तो आपके पास दूसरों के मुकाबले समय ज्यादा होता है और सुबह जल्दी उठने से आपके अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। इससे आपके सोने की आदत सुधर जाती है और अच्छी होती है। सुबह जल्दी उठने से आपको आलस महसूस नहीं होता और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज से ही सुबह 5 बजे उठने की आदत बना लीजिए। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया आशीर्वाद, एक नई आशा। ये एक उत्तम दिन है क्योंकि ये भगवान का उपहार है। जब आप एक कृतज्ञ हृदय से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके भीतर एक रोशनी उजागर हो जाती है। सुबह उठकर आपको ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना है, साथ ही आपको खुद से बातें करना है, संकल्प लेना है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसे आप पूरा करके ही मानेंगे। अपने सपनों के प्रति आपको खुद में दृढ़ संकल्प लेना होगा। आपको खुद से बातें करना है कि मुझे आज ये काम करना है तो करना है। इस तरह से हर रोज संकल्प करने से आप पूरे दिन जोश के साथ काम करेंगे। सुबह उठते ही आपको आईने में देखकर मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी का असली मतलब खुशी है। आप बहुत सारे पैसा पाकर भी खुश नहीं रह सकते अगर आपकी सोच में प्रसन्नता नहीं है। इसलिए हर दिन की शुरुआत हमेशा मुस्कुराकर करें। इससे पूरा दिन अच्छा बीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आपको सुबह की एक कच्ची मुस्कान सफलता की ओर एक कदम नजदीक ले जा सकती है। ध्यान आपको यह आजादी देता है कि आप खुद को इस दुनिया से भी बेहतर तरीके से जान सके और खुश रह सके। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से बोध में स्थित होना, पूरी तरह से मुक्त होने का यह अकेला मार्ग है। सुबह उठकर आपको अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। सुबह उठने के बाद आपको एक शांत स्थान पर जाकर बैठ जाना चाहिए और अपने दिमाग को खाली रखना चाहिए, यानी कि आपको सुबह उठकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से आपके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है और इसके बाद आपको अपने बारे में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। आपको सुबह में कभी नकारात्मक विचार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ध्यान करने से आपके दिमाग की शक्ति बढ़ जाती है और ध्यान से आप खुद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जो खुद को समझ लिया वो सबको समझ लिया। स्वस्थ जीवन शैली के लिए पानी पीना आवश्यक है। पानी संपूर्ण प्रकृति की प्रेरक शक्ति है। रोज सुबह पानी पीने की आदत बहुत कम लोगों में पाई जाती है, इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोगों को गैस, एसिडिटी की समस्या और भी तरह तरह के पेट की बीमारी होती है। अगर आप हर सुबह ब्रश करने के बाद 2 गिलास गर्म पानी पीने की आदत अपने अंदर ला सकते हैं तो बहुत सारे बीमारियों से आप बच के रह सकते हैं। सुबह गुनगुने पानी पीने की आदत आपके लिए दवा का काम करेगी। किसी ने ठीक ही कहा है, उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य की सफलता की निशानी है। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शारीरिक व्यायाम के लिए समय नहीं है, जल्द ही या बाद में बीमारी के लिए समय निकालना होता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन को साफ और मजबूत रखने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। सफलता का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है।
अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर सकेंगे। इसलिए आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह व्यायाम करना बहुत जरूरी है। सुबह आप अगर व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो आपको हर दिन सुबह कोई खेल खेलना चाहिए या फिर सुबह की सैर ही कर लेनी चाहिए। सुबह व्यायाम करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। जब सुबह उठते हैं तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म गिरा होता है जिससे आपको सुस्ती महसूस होती है। इसलिए आप व्यायाम करने से पहले कुछ एक गिलास पानी पीकर कुछ फल खा लेना चाहिए, इससे आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है और अब आप फुर्ती से व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम करने से आपका शरीर रोगों से दूर रहता है और आप चुस्त और सक्रिय रहते हैं। इसलिए आज से ही आप व्यायाम को भी एक आदत बना लें। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। सुबह आपको अपने बारे में ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो आपको प्रेरित करें। आपको पूरा ध्यान केवल अपने शब्दों पर देने हैं। आपको ऐसे शब्द बोलने हैं जैसे, मैं शांति और विश्वास के साथ आज के दिन का स्वागत करता हूँ। मेरा आज का दिन बहुत शानदार और नए अवसरों से भरा हुआ और मेरे सही फैसले का दिन है। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूँ। मैं अतीत में खुद की और दूसरों की सभी गलतियों को माफ कर केवल वर्तमान की हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद से जीता हूँ। मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है और बाहर जाती हर श्वास संदेह और निराशा को बाहर निकालती है। मैं एक सद्बुद्ध और एक खास इंसान हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ और सही फैसले ले सकता हूँ। मैं सफल और सौभाग्यशाली हूँ। मैं हर तरह से संपूर्ण और संपन्न हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, काबिल हूँ और अपने फैसले स्वयं लेने के लिए मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी पा सकता हूँ। मेरे जीवन प्यार और पैसे से भरा है। मैं अपना रास्ता खुद बनाने में सक्षम हूँ। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भरा है। इसके बाद आपको 5 मिनट आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना कीजिए। आप उन सब चीज़ों के बारे में कल्पना करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि आप जो सफलता प्राप्त करना चाहते थे वह प्राप्त हो गया है और आप उस सफलता को प्राप्त करने की खुशी को महसूस करें। और ऐसी कल्पना करने से आपके दिमाग के अवचेतन मन को लगता है कि आप सच में सफल हो चुके हैं और इससे आपका सोच बदल जाता है। जब आपका सोच बदल जाएगा तो आपके काम करने का तरीका भी बदल जाता है और इससे आप जो चाहते हैं वह आपको जल्दी से प्राप्त हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ जाता है। एक अच्छी किताब एक अच्छे बैंक की तुलना से ज़्यादा दौलत रखती है। एक किताब जितना वफादार कोई दोस्त नहीं है। सुबह किताबें पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है। आपको ये आदत जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़नी चाहिए। इससे आपका ज्ञान बढ़ता है और आप जो करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में अनुभव हो जाता है। सुबह अपने लक्ष्य के संबंधित किताबों से सीखें और जो करना चाहते हैं उसमें सफलता प्राप्त करें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसी आदतों को अपनाकर जीवन में एक नई राहों पर चल सकते हैं। उम्मीद करते हैं सुबह की ये सभी आदतें आपके जीवन में एक नई सुबह लाएगी और आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव जरूर होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।